our class 6 chapter 1 knowing the number the exercise 1.3 the second question discuss karan lag gaya is the first question mein thode na pehle hi discuss kar chuke hain jise vich maine round off kive karna hunda ve bahut explain karke dasse tu chautha check up kar sakde ho now question number 2 give a rough estimate estimate karna hai oh bhi matlab round off karna hai by rounding off to nearest 100 unhone apna nu das ta ki apna round off kya karna hai nearest 100 एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 मतलब अपन दो बार एस्टिमेट करना है एक बार नियरेस्ट 100 करना है दूसरी बार नियरेस्ट 10 करना है ठीक है राउंड ऑफ करना पहले वीडियो से मैं दस चुकी हूँ होप तुसी उतो चेक कर लिया होएगा सो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्या करते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तो पहला कि 439 और 39 50 तो छोटा है तो अगले नंबर से कुछ नहीं करना सिंपल 400 रह गया ओके सेकंड नंबर है अपने को 334 हूँ 334 है 34 फिर 500 50 तो छोटा है मतलब उन्हें भी सिंपल क्या रह जाएगा 300 उस तो बाद 4317 उरे भी 17 है 50 तो छोटे तो उरे भी ना आ जाएगा 4300 ठीक है इतना हो गया इसके बाद हम क्या करना है अपन को एस्टीमेट एस्टीमेट की में आएगा जो अपना राउंड ऑफ करके आना ना सॉल्व कर लो 400 प्लस 300 प्लस 4300 प्लस कराएंगे कितना आएगा 400 300 700 4300 700 इज 5000 तेरा मतलब कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करके कितना आ गया 5000 उसके बाद अपन नियरेस्ट 10 भी करना है तो नियरेस्ट 10 करते हैं हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 10 करने पहला कितना है 439 और लास्ट यूज की डिजिट है 9 क्योंकि अपन नियरेस्ट 10 कर रहे हैं मतलब एक डिजिट देखेंगे पूरे 9 है 95 तो क्या है बड़ा है तो 11 नंबर से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया 440 ठीक है नेक्स्ट नंबर क्या है अपना 334 पूरे 4 आ रहे हैं ये 45 तो क्या है छोटे इस करके दे विच कुछ नहीं करना सिंपल 3 रह जाएगा मतलब 330 ओके लास्ट नंबर की से अपना 4317 एदे विच लास्ट विच कितना है 7 और 75 तो बड़ा इस करके अपन 11 नंबर से क्या ऐड करना है तो कितना आएगा 4320 एस्टीमेट करते हैं हम इसका एस्टीमेट इज इक्वल टू 440 प्लस 330 प्लस 4320 एना को प्लस करना है हम 0 3 एंड 2 5 5 एंड 4 9 उसके बाद 4 एंड 3 7 7 एंड 3 10 0 कैरी 1 तो अरे कितना आ जाएगा एस्टिमेट करके 5090 समझ आया दो बार करना सी राउंड ऑफ एक बार नियरेस्ट 100 दूसरी बार नियरेस्ट 10 ठीक है फिर इसका सेकंड पार्ट है उतना ही करेंगे सेम पहला क्या करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है उसी तरह 100 मतलब अपन टू डिजिट्स लगाएंगे 50 तो छोटियां नहीं तो मतलब नंबर क्या आ जाएगा उसी तरह आ जाएगा ओके उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 47599 एरे विच टू डिजिट्स देखे ए 50 तो बड़े हैं तो अगले नंबर जी ऐड कर दो तो कितना आएगा 47600 उसके बाद अपन ऐसा क्या करते हैं हम एस्टीमेट एस्टीमेट की में होएगा 108700 माइनस 47600 दोनों को माइनस इतो कर लेंगे 0 माइनस 0 0 पूरे भी 0 7 माइनस 6 1 8 माइनस 7 1 एंड 10 माइनस 4 6 ठीक है हो गया तेरा मतलब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करके कितना आ गया 6100 उन कर दिया राउंड ऑफ nearest 10
नियरेस्ट टेंथ राउंड ऑफ करना है, सेम उसी तरह नंबर उतार है पहला, एवे विच लास्ट डिजिट जो है ओके आई थिंक मिस्टेक हो गई 64 न्यू रे 34 सीगा पहला मतलब के विच अगे ठीक करा सी ओके 34 सीगा हुन नियरेस्ट चेंज करना है कितने डिजिट देखांगे एक डिजिट देखना है ओके एक डिजिट देखना है 5 तो छोटा है मतलब अगे कुछ भी ऐड नहीं होएगा सारा सेम रह गया उस तो बाद जो सेकंड नंबर है 47599 ये भी चार डिजिट क्या है बड़ा 5 तो इसके ये भी चीज ऐड हो जाएगा और कितना आएगा 47600 ठीक है इसके बाद आप क्या करते हैं एस्टीमेट एस्टीमेट कितना आएगा फिर वो है 108730 माइनस 47600 और ये आ गया 0 ऐड करें 3 7 माइनस 6 1 8 माइनस 7 1 एंड 10 माइनस 4 6 तो राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस करके कितना आ गया 61130 हो गया चलो हम समझ आ रहे हैं ऐसा ही हो रहे हैं सारे पार्ट्स इजी हो रहे हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन फिर और ये पहला क्या करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 8325 टू डिजिट देखे 100 तो सॉरी 50 तो छोटे हैं तो सिंपल रह गया 3 पीछे 2 जीरोस आगे 491 और भाई टू डिजिट देखे 50 तो बड़े हैं तो आगे वाले नंबर से क्या हो गया ऐड उसके बाद फिर एस्टीमेट कर लो एस्टीमेट करके कितने आएगा 8300 माइनस 500 8300 के बीच ऑफ 500 माइनस करके कितना आएगा 7800 ठीक है समझ आ गया इसके बाद फिर अगेन राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट टेंस करना है उधर ही 8325 और ये 5 है 5 तो बड़े हैं अपन ऐड करना होता है देख तो ये 8330 सेकंड नंबर है 491 और ये 1 है छोटा है 5 तो सिंपल और कितना आ जाएगा 490 ठीक है इसके बाद इज द एस्टीमेट एस्टीमेट फिर की में होएगा 8330 माइनस 490 माइनस करो देखो पूरे 0 पूरे कैरी लेके कितना बन जाएगा 13 13 माइनस 9 4 पूरे कितना रह गया 2 इधर कैरी लगाएंगे मतलब 12 12 माइनस 4 8 एंड पूरे कितना आ गया 7 तेरा मतलब कि इस राउंड ऑफ करके कितना आ गया नियरेस्ट चेंज 7840 ठीक है नाउ डी पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पहला क्या करना है आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है मतलब टू डिजिट्स 50 तो छोटे हैं तो नंबर्स क्या रह जाएंगे होते हैं 4839300 नेक्स्ट नंबर है 48365 ऐसे टू डिजिट्स देखो 50 तो बड़े आ गए हैं तो अगले नंबर से क्या ऐड हो जाएगा मतलब क्या आएगा 483 सॉरी ऐड करना है तब क्या आएगा 48400 ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे एस्टीमेट एस्टीमेट ये में होएगा 483900 माइनस 48400 माइनस का मतलब देखो 0 माइनस 0 पीछे का जीरोस रह गया पूरे पे 13 माइनस 4 9 8 माइनस 8 0 फिर 13 माइनस 4 9 एंड उधर क्या आएगा 7 एंड 4 तो राउंड ऑफ करके कितना आ गया 479900 उस बात करेंगे नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट टेंस करेंगे तो अपना तो 4839348 लास्ट डिजिट है 5 तो बड़ा है अगेन ऐड हो जाएगा 4839350 तो दूसरा नंबर क्या आ गया अपना 48365 फिर लास्ट डिजिट 5 है तो अगले चीज ऐड हो जाएगा तो 48370
इससे बाद इसका कराएंगे आपका एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब क्या बात बना लो, माइनस कर दो 483-9350 माइनस 483-70 तो माइनस करते हैं हम आपका, देखो पहले जीरो तो जीरो माइनस करी जीरो, 15 माइनस 7 करके कितना आएगा 8, और तो बाद पूरे 2 रह गया 2 माइनस 12 माइनस 3 9 8 माइनस 8 0 पूरे 3 पूरे 4 मतलब कि 13 बन जाएगा, तो 13 माइनस 4 9 पूरे क्या आएगा 7 4 तो कितना आएगा राउंड ऑफ करके 4 7 9 0 9 8 0 इस दिन आ रही थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो गए। दोबारा कर सके इससे पहला अपन नियरेस्ट 100 करे हैं, देन नियरेस्ट टेंस करे हैं। होप तुम्हें समझ आ गया होना, मैं राउंड ऑफ पहला ही तुमने एक वीडियो च दस चुकी हूँ, अगर राउंड ऑफ करने जो कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 द लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। प्रोडक्ट्स करनिया ने जनरल रूल यूज करके, जनरल रूल मतलब कि आप अपनी मर्जी ना राउंड ऑफ कर सकते हैं, चाहे नियरेस्ट टेंस करिए, चाहे नियरेस्ट 100 करिए, चाहे नियरेस्ट 1000 करिए। जिवें फर्स्ट देख और अपन नियरेस्ट 100 कर सकते क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर ने है ना, क्योंकि 578 100 वाली ने ना, तो अपन नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने पहला कितने हो रहे 578, टू डिजिट्स कितने 50 तो बड़े हैं, 11 नंबर से क्या हो जाएगा ऐड और क्या बन गया 600। अगेन नेक्स्ट कितने 161, पूरे भी टू डिजिट लिखते हैं, ए भी 50 तो बड़े हैं, फिर 11 नंबर से क्या हो गया कितना बन गया 200। तेरा मतलब कि इस एस्टिमेट प्रोडक्ट कितनी आएगी, एस्टिमेट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 200, 6 2 12 पीछे 1 2 3 4 4 0 एरा मतलब कि एना दी एस्टिमेट प्रोडक्ट कितनी आएगी 1,20,000। समझ आया? ओके okay, इसी तरह पार्ट 2 है, एदे भी देखो एक थाउजेंड्स विच है ना, तेरा मतलब कि आपा इस राउंड ऑफ क्या करांगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, ठीक है। 5 2 8 1 1000 करने 3 डिजिट्स लिखते हैं, 500 तो छोटे हैं मतलब सिंपल रूट एक ही रह जाएगा 5000। अगेन नेक्स्ट नंबर है 3 4 9 1, एच भी 3 डिजिट्स लगाएंगे, 500 तो छोटे हैं मतलब एक ही रह गया 3000, ठीक है। उसके बाद इज द एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या आएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000, 5 3 15 पीछे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पहले एस्टिमेट पर रख करके ना आ जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा वैसे है 1,50,00,000, ठीक है। अगे नेक्स्ट है, इधर भी देख पूरे 3 डिजिट्स है पर उड़े तो नहीं बन रहे, मतलब आपका सेम करना होता है एस्टिमेट है ना, दोनों राउंड ऑफ या 100 करांगे या फिर टेंस करांगे या फिर 1000, उन्हें इधर राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, इस करके इस राउंड ऑफ आपका क्या करांगे नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है। 1 2 9 1 नियरेस्ट 100 मतलब 2 डिजिट्स, 11 से प्लस कर दो क्योंकि आप 50 तो बड़े हैं, और 1300 आ गया। देन 592 फिर 2 डिजिट्स लिखते, ये भी बड़े हैं 50 तो मतलब ऐसे भी क्या हो जाएगा आगे ऐड 600 आ गया। इसके बाद क्या करना है इसका एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब 1300 मल्टीप्लाई बाय 600, और पहला इनको मल्टीप्लाई करना है 36 का कितना आएगा 78 पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एक आगे जी एस्टिमेट पड़ा 36 का 78 1 2 3 4 0 था, तो पीछे 4 0 लगा दो, ठीक है। अगे अगे नाउ इज द लास्ट पार्ट, मेरे बीच भी देखो पूरे 2 डिजिट नंबर है पूरे 4 डिजिट नंबर है, ये तो सिंपल टेंस होगा, इनो अपन जितना मर्जी कर सकते हैं बट अपन डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना हैगा, इसलिए अपन दोनों में क्या करेंगे नियरेस्ट टेंस करेंगे। यस राउंड ऑफ क्या करेंगे अपन नियरेस्ट
round of nearest 10. The 9250. एक डिजिट है जीरो ही है, फाइव तो छोटा ही है, मतलब तो सिंपल ही रह गया 9250. ठीक है, अगे 29 हूँ इतने 9 है, फाइव तो बड़ा है, मतलब अगर अच्छी कैड हो जाएगा कितना बन जाएगा 3, मतलब 30. इस तो बाद इसका क्या कर दिया आप एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब 9250 मल्टीप्लाई बाय 30. 9250 को किसने मल्टीप्लाई करना है 30 ना, आप क्या कर दें 925 को 3 ना मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 5 3 15, 5 कैरी 1 3 2 6 and 1 7 एंड 9 3 27 कितना आ गया 2775. 0 88 पीछे लगा दो, पहला मतलब कि अलग एस्टिमेट करके कितना आ गया 2,77,500. ठीक है, इस दिन वाली बच्चों थोड़ी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है. होप तुम सारे ने समझ आ गई होगी, एंड फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे मैसेज करके पूछ लिया करो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.